बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कारून के ख़जाने के मुतालिक आपने तारीखी हकायत और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर शख्स है जिसके खजाने की कुंजी 300 ऊँट और खच्चरों पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख इंसानों में शायद कारून से ज़्यादा दौलत किसी शख्स को अदा नहीं की गई। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासूर का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और गुमटी के लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम का सबसे बाइस अखलाक और नेक लोगों में शुमार किया जाता था। तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ेर साए हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरात खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था, यही वजह कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को टिड्डियों की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर शख्स बन गया जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है कि बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक जगह फरमाया, जब उसने उसकी कौम से कहा कि इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर और जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है और ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि हम अपने माल का हजारवां हिस्सा जकात निकालेंगे। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम जकात में की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो जकात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली, उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह जो उसके हिमायती थे जमा किया और कहा, बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की, अब वो तुम्हारा माल भी लेना चाहता है, फला फाइशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी ही क्यों ना हो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाएंगे। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ताकि अगर इस काम को मैं अंजाम दूँ तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल का ये गुमान करते हैं कि आपने फला फाइशा औरत से जिना किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वह औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ये औरत उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से और सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब दीदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा में अपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो सबसे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इल्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और उसका खजाना सब उस जमीन में धंस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शिगाब दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे हकायत नकल की गई हैं
اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔